ओके, सो हेलो गाइस एंड वेलकम। तो ये आपकी हिंदी की क्लास सेकंड है। इसके पहले हिंदी की एक और क्लास हो चुकी है, तो लैंग्वेज हिंदी होगा आपका। जैसे कि आपको पता है कि यूपी बोर्ड का एग्जाम आने वाला है, 9 अगस्त को है, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो 9 अगस्त को ही आपका एग्जाम हो भी जाएगा। एग्जाम आपका दो पार्ट में होता है, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। इन दोनों के बीच में आपको 2 घंटे का गैप मिलेगा। फर्स्ट पेपर में भी दो सेक्शंस होते हैं, सेकंड पेपर में भी दो सेक्शन होते हैं। फर्स्ट सेक्शन, अगर आप फर्स्ट पेपर के फर्स्ट सेक्शन की बात करें, तो ये सबके लिए सेम होता है। यानी यहाँ पे आपका आता है जनरल नॉलेज, और दूसरे पार्ट में आता है आपका लैंग्वेज। अब लैंग्वेज में आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, हिंदी और इंग्लिश। दोनों के 50-50 क्वेश्चंस होंगे, आप जो चाहें वो सेलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड की बात करें तो इसमें भी आपके दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट आपका होता है एप्टीट्यूड टेस्ट, ये सबके लिए सेम होगा। सेकेंड आपका आ जाएगा जो आपका सब्जेक्ट प्रेफरेंस होगा उसके अकॉर्डिंग। तो अगर आपने साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स जो भी भरा हुआ हो फॉर्म भरते टाइम, अगर आपने साइंस भरा है तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी के कुल 50 क्वेश्चंस मिलेंगे। उसमें से आपको 50 में से जितने भी हो सके आपको करने होते हैं। यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी चारों सब्जेक्ट से आएंगे। सेम आर्ट्स में भी है और कॉमर्स में भी जो सब्जेक्ट होते हैं उससे। तो 50-50-50 क्वेश्चंस और 50 इधर से, यानी टोटल 100 क्वेश्चंस यहाँ और 100 क्वेश्चंस यहाँ। चलो, तो हिंदी लैंग्वेज है आपका। कल मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज का एक कराऊंगी, आज हिंदी देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हिंदी किस भाषा की उत्तराधिकारिणी है, यानी कि हिंदी किस भाषा से बनी हुई है, उसका ओरिजिन किस भाषा से है। अवधी, ब्रज, देवनागरी या फिर संस्कृत। तो हिंदी की बात करते हैं अगर, तो हिंदी भाषा जो है आपको संस्कृत से बनी है। संस्कृत से आपकी बनी पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से बन गया अपभ्रंश, अपभ्रंश से बना अवहट, और अवहट से बनती है आपकी प्राचीन हिंदी, या जिसको कि हम प्रारंभिक हिंदी भी कहते हैं। तो ये हो गए आपकी संस्कृत। अगला प्रश्न देखें, कहता है कि संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है। तो अगर हम संसार की प्रमुख भाषाओं की बात करें, तो पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, तो हिंदी का क्या है, दूसरा स्थान। ठीक, अगला देखें, भाषा की मूल इकाई क्या है। भाषा की मूल इकाई यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, अक्षर है, ध्वनि है, संकेत है या वर्णमाला है। तो ध्वनि है, भाषा की मूल इकाई आपकी ध्वनि है। चारपाई कैसा शब्द है, रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है या अर्थ तत्व है। तो देखो, चारपाई दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी चार धन पाई। तो सबसे पहले तो ये यौगिक है कि क्योंकि दो शब्दों के योग से बन गया, तो ये यौगिक हो गया। दूसरी चीज ये कि चारपाई आप सिर्फ एक चीज को कहते हैं जो कि होता है खाट या खटिया। तो चारपाई यानी चार पैरों वाला, तो चार पैरों वाली तो गाय भी होती है, लेकिन आप उसको चारपाई नहीं कहते। चारपाई का एक स्पेसिफिक मतलब, चारपाई एक स्पेसिफिक चीज को कहते हैं। ये क्या हो गया, ये रूढ़ शब्द हो गए, यानी यौगिक प्लस रूढ़, योग रूढ़। षड् प्रभा का पर्यायवाची क्या है, आपको षड् प्रभा का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो स्त्री है, बिजली है, चंद्रमा या फिर गंगा। देखो, इसका होता है बिजली। आप इसको चंचला दामिनी, सौदामिनी, तड़ित, विद्युत तथा धनवल्ली भी कहते हैं। जालक का तद्भव शब्द क्या है, झरोखा, चालक, झलक या नालक। तो जालक का जो तद्भव है वो क्या है, झरोखा। संश्लेषण का विलोम शब्द क्या होगा, संश्लेषण का विलोम श्लेषण, विश्लेषण या श्लेषार्थ। तो विश्लेषण ये तो आप कर लेते हैं। क्रिया का मूल रूप क्या होता है, कर्म, व्याकरण, भाषा या फिर धातु। तो क्रिया का मूल रूप होता है धातु, ऑप्शन नंबर डी, धातु। फिसलन क्या है, फिसलन क्या है, विशेषण है, क्रियापद है, भाववाचक संज्ञा है या फिर क्रिया विशेषण है। तो फिसलन सबसे पहले तो संज्ञा है, और कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, अगला देखो, लाला का अन्य लिंग रूप क्या है, यानी लाला का आपको स्त्रीलिंग बताना है। लालाइन, ललाइन, ललाइन या लालाई। तो ललाइन होता है लाला का
अन्य लिंग। ठीक, देखो इन लगा करके हम स्त्रीलिंग बना सकते हैं कुछ कुछ शब्दों में, जैसे लाला में हमने इन लगा दिए तो बन गया क्या, ललाइन। ठीक, ई लगा के कुछ बनाते हैं जैसे बड़ा का बड़ी, इनी लगा के भी बनाते हैं जैसे योगी का योगिनी, इस तरीके से। अगला देखो, गायक का अन्य लिंग रूप, यानी गायक का स्त्रीलिंग पूछ रहा है, गायिका या गायकी, गायिका, ऑप्शन नंबर सी। अगला, सही रूप क्या है, साहित्यक, साहित्यिक, साहित्यक या साहित्यिक। तो देखो साहित्यक और साहित्यक तो नहीं होगा, इतना तो आपको भी पता है कि क्या होता है, साहित्यिक होता है। तो कौन सा वाला सही साहित्यिक लिखा है, तो देखो दोनों यहाँ पे, अच्छा ये स लिखा है, सा नहीं है, साहित्यिक होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। सही रूप क्या है, इकट्ठा, 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 इकट्ठा या फिर इकट्ठा। तो ये जो फर्स्ट आपका ए है और जो आपका सी है वो, अच्छा इकट्ठा है, यहाँ पे ट है नीचे, ठ है, यानी ऑप्शन नंबर सी। इजी था। आपको बताना है सही वाक्य क्या है, आपकी कृपा पत्र मिली, आपका कृपा पत्र मिला, आपकी कृपा पत्र मिला, आपका कृपा पत्र मिली। तो आपका कृपा पत्र मिला, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका शुद्ध वाक्य होगा, क्योंकि पत्र क्या है, पुल्लिंग है, तो सर्वनाम और सहायक क्रिया भी जो हम लगाएंगे वो पुल्लिंग ही लगाएंगे। अगला देखिए, अंजर पंजर ढीले करना, अंजर पंजर ढीले करना का क्या मतलब है, पिंजरे की मरम्मत करना, पिंजरा खाली करना, बुरी तरह मारना या बुरी तरह सताना, तो बुरी तरह मारना। चलिए आगे, सब्ज बाग दिखाना, लालच देकर उल्लू बनाना, लालच दिखाकर लूटना, बगीचे में घुमाकर दिखाना या सब्जी उगाकर बेचना। सब्ज बाग दिखाना यानी लालच देकर उल्लू बनाना। पक्षी पानी पीते हैं, इसका कर्मवाच्य रूप क्या है, कर्मवाच्य पूछ रहा है आपसे। तो देखो पक्षियों से पानी पिया जाता है, ये हो जाएगा आपका कर्मवाच्य। इनमें से आपको देखो ये चार जो ऑप्शन दिए गए उनमें से तीन एक तरीके के हैं, एक डिफरेंट है, तो आपको बताना है कौन सा, भवानी, स्वामिनी, दात्री या पराधीन। तो भवानी, स्वामिनी, दात्री, ये तीनों क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक, और ये बड़ा दिखाते हैं, मतलब एक सुप्रीम चीज को दिखा रहे हैं। अगर आप पराधीन की बात करें तो यानी इसका मतलब होता है जो किसी के अधीन हो, यानी ये इससे भिन्न है, ऑप्शन नंबर डी। कलब, कलब किसको कहते हैं, भैंस के बच्चे को, कुत्ते के बच्चे को, मुर्गी के बच्चे को या फिर हाथी के बच्चे को। तो हाथी के बच्चे को हम क्या कहते हैं, कलब कहते हैं। मुर्गी का बच्चा आपका चूजा होता है, कुत्ते का बच्चा होता है पिल्ला, और भैंस का बच्चा होता है कटा। अर्क के लिए बेमेल शब्द पहचानिए, मदार, रस, अंतर या सूर्य। तो अर्क का मतलब, अर्क के लिए बेमेल, तो अर्क से मिलता जुलता क्या है आपका, मदार भी है, रस भी है, सूर्य है, जबकि अंतर नहीं है। रिपोर्टाज का संबंध किससे है, पत्रकारिता से, नाटक से, राजनीति से या परंपरा से। रिपोर्टाज का संबंध पत्रकारिता से है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखो, 72 और 73 तक के उत्तर है, तो उचित विकल्प का चयन कीजिए। रस्सी को सांप समझ लेना, इसे क्या कहते हैं, संदेह कहते हैं, अंधविश्वास कहते हैं, भावना कहते हैं या भ्रम कहते हैं। तो रस्सी को अगर किसी ने समाज सांप समझ लिया तो यानी उसको क्या हुआ है, भ्रम हुआ है। आयु में बड़े व्यक्ति को आप क्या कहेंगे, पूजनीय, ज्येष्ठ, वरिष्ठ या कनिष्ठ, तो ज्येष्ठ। अगला देखें, फूल सी सुकोमल मृदु भावमय देवयानी, कच के बिना न जी सकेगी, यह निश्चित है। इसमें बताना है आपको कौन सा अलंकार है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या अतिशयोक्ति। तो सिंपल सी चीज है उपमा। ठीक, अगला भी आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है, यानी सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। ये आपने पढ़ा भी होगा, एग्जाम्पल में आपको यही देखने को मिलता है, उत्प्रेक्षा अलंकार है।
अगला देखें, रासोचरित काव्य है और उसकी रचना रासक शैली में हुई है, यह कथन किसका है? तो ये कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अलंकार अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो अलंकार आप जाके हिंदी के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, अलंकार पर वीडियो है, वहां से अगर आप एक बार अलंकार पढ़ लेते हैं तो अलंकार में आपको फिर कभी कोई डाउट नहीं होगा। हीरामन सुआ का उल्लेख आता है कहाँ पे? कबीर ग्रंथावली, पद्मावत, सूर सागर या फिर रामचरित मानस? तो हीरामन सुआ का उल्लेख आपको पद्मावत में देखने को मिलेगा। ठीक, सूरदास के गुरु का क्या नाम था? मध्वाचार्य, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य या व्यासाचार्य? तो ये तो सबको पता होगा, वल्लभाचार्य। बरिया बीती बल गया, अस बुरा कमाया, हरिजन छाड़े हाथ थे, दिन नेड़ा आया। कबीरदास, रहीम, सूरदास या फिर घनानंद, किसकी का पंक्ति है? तो ये कबीरदास जी की पंक्ति है। अगला देखो, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। तो ये क्या है? इसमें श्लेष अलंकार है, श्लेष अलंकार होगा इसमें। चलो तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में मोस्ट प्रोबेबली आपको इंग्लिश का लैंग्वेज मिल जाएगा, तो देख लेना, वो कल आपको अवेलेबल हो जाएगा। ये क्लास लाइव होने वाली थी पर नहीं हो पाई, कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए थे जो कि सॉल्व नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा रिकॉर्ड करके इसको डाल देती हूँ। तो थोड़ी लेट में आपको ये क्लास मिलेगी बट मिल जाएगी, और इंग्लिश की क्लास हम देखेंगे कल। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।